नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। आज हम वर्ण विचार के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में आज वर्ण विचार को लेकर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का पूछने का आधार क्या होता है, इन प्रश्नों की सारी जानकारी आज हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए, हिंदी में वर्ण विचार है वो मुख से निकलने वाली अखंड ध्वनि से बने हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म वह ध्वनि जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाते हैं। वर्ण है उसका निर्माण ध्वनि से हुआ है, वर्ण ध्वनि से। तो काफ़ी जगह में ये भी मिल जाता है, वर्ण और ध्वनि ऑप्शन में दोनों एक साथ आ जाते हैं। यहाँ पे वर्ण और ध्वनि जो है यहाँ एक साथ आने का कारण ये रहता है कि वर्ण और ध्वनि, क्योंकि सबसे पहले हमारे फेफड़ों से निकलने वाली जो ध्वनि है वो मुख विवर से होती हुई हमारे मुख में आती है। मुख में आने के बाद वो क्या करती है, कोई आवाज़ का रूप लेती है। आवाज़ का रूप लेने के बाद क्या है, हम किसी लिपि चिन्ह के द्वारा उसको कोई संकेत देते हैं जिससे हमारा वर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे वर्ण जो हमारा बना, इसकी सब पहली जो स्टेप बनी, पहली जो कड़ी बनी वो ध्वनि बनी। हमारे परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो अक्सर हम उसको वर्ण मान लेते हैं। कई बार विकल्प के अभाव में हमें वहाँ वर्ण न दे करके हमें ध्वनि का ऑप्शन मिल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ध्वनि को उसका उत्तर मानना चाहिए। वर्ण है ये, देखिए दो भागों में बटा हुआ है। एक इसका भाग होता है स्वर और दूसरा इसका होता है व्यंजन। यहाँ स्वर और व्यंजन को लेकर काफ़ी प्रश्न बनाए जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। स्वर स्वतः उच्चरित होने वाली जो ध्वनि है, इसके लिए हम कहते हैं कि स्वर एक निश्चित ध्वनि है। निश्चित ध्वनि का मतलब होता है फेफड़ों से हवा बिना किसी रुकावट के साथ बाहर आ जाती है, और बिना किसी रुकावट के बाहर आ रही है तो वो स्वर बन जाता है। यदि वायु या हवा फेफड़ों से उठ करके रुकावट या बाधा के साथ यदि बाहर आ रही है तो उसको हम व्यंजन कहते हैं। यहाँ स्वर देखिए अलग अलग वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग आधारों पर इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले यदि हम स्वर की बात करें तो स्वर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि स्वर किस आधार पर किया गया। संख्या को लेकर भी काफ़ी प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। पहली चीज़ इसकी संख्या को लेकर के है। स्वर जो हमारे संख्या में जो होते हैं, ये अगर कुल की संख्या के आधार पर पूछा जाता है तो 11 होते हैं। पूछने का आधार क्या होता है इस पर भी हमें बहुत सोचने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यदि ये पूछा जाए कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं तो हमें 11 को मानना चाहिए, और यदि हमें ये पूछ लिया जाता है कि स्वर शुद्ध कितने होते हैं, अगर शुद्ध स्वर की जिक्र यहाँ किया जा रहा है तो वहाँ पे हमारी संख्या घट जाती है और वहाँ संख्या हमारी 10 रह जाती है। कारण क्या है, री जो है वो संस्कृत से चला आ रहा एक स्वर है जिसको शुद्ध नहीं माना गया है और संस्कृत में ही उसको माना गया है, लेकिन फिर भी हम तत्सम शब्दों के रूप में उसको पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको हम यदि कुल संख्या के आधार पर देखते हैं तो 11 होते हैं, और शुद्ध स्वर के रूप में देखते हैं तो 10 होते हैं। इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखिए स्वर जो है इसको वर्गीकृत किया गया है सबसे पहले उच्चारण की दृष्टि से, कि उच्चारण मुख में कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहली चीज़ इसके लिए एक नंबर पर जो आता है वो आता है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर इसके जो भेद किए गए हैं वो ये किया गया है कि स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख विवर के अंदर अलग अलग स्टेप बनते हैं। पहली स्टेप ये बनती है कि कुछ स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख की स्थिति कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ किस में कम हुई, किस में ज़्यादा हुई, किस में मध्यम रही, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको सबसे पहले वर्गीकृत किया गया कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर हैं वो किस आधार पर कैसे बने। तो पहली इसमें जो स्टेप बनी वो बनती है कि इसमें एक तो एक नंबर पे यदि हम बात करें इसकी तो कंठे, कंठे जो स्वर हैं वो कौन से होते हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कंठे स्वर है तो ए और आ हमारे कंठे होते हैं। दूसरी चीज़ देखिए इसके अंतर्गत पूछी जाती है कि हमारे यहाँ बुक के अंदर एक तालु भाग होता है इसलिए इसका नाम तालव्य पड़ा, और पूछ लिया निम्न में से तालव्य कौन सा है तो तालव्य के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ई और बड़ी ई तालव्य होते हैं। इसके बाद यदि इसकी बात करें तो
तालव्य के बाद हवा फेफड़ों से उठ करके सबसे पहले एक नंबर पे कंठ में आती है, दो नंबर में वो तालू में जाती है, तीन नंबर पे जो हमारी स्थिति बनती है तो वो हमारी मूर्धा बनती है। तो इससे बना मूर्धन्य शब्द, और मूर्धन्य का मतलब कठोर भाग होता है, ये ऊपर के तालू के पास होता है। इसके अंदर री स्वर को सम्मिलित किया गया है, इस री स्वर जो है वो मूर्धन्य है। अगली हम बात करें द की, तो यहाँ मूर्धन्य के बाद हवा बाहर निकलने की, वायुमंडल में मिलने की कोशिश करती है, तो उसको कोई रास्ता नहीं है, तो फिर वो मुख के माध्यम से बाहर निकलेगी तो तालू से टकराएगी, तालू के मूर्धे में टकराएगी, मूर्धा टकराने के बाद वो क्या करेगी, सबसे पहले वो दांतों से टकराएगी, तो ये हमारा दंते बन जाता है। दंते के अंदर हमारे यहाँ कोई स्वर सम्मिलित नहीं किए गए हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि इनके आधार पर किसी प्रकार का कोई यहाँ उच्चारण स्थान नहीं बना है। अगली बात देखिए, फिर हमारे जो बनते हैं वो ओष्ठ बनते हैं। ओष्ठ के अंदर हमारे जो हवा है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, दांतों से न टकरा करके वो लास्ट जो उसकी कंडीशन रहेगी वो दांतों से टकराएगी, दांतों से नहीं टकराई तो यहाँ पे कुछ बना नहीं, फिर होठों से टकराएगी तो वो ओष्ठ बन गए। तो इसके अंदर हमारे पास आए उ और बड़ा उ, ये बनी स्थिति। अब हमारे सामने कुछ क्या होते हैं, संयुक्त स्वर भी होते हैं जो दो के मेल से बनते हैं। संयुक्त स्वर बनने के कारण इनका नाम भी संयुक्त पड़ जाता है। तो जैसे सबसे पहले संयुक्त में हमने देखा है कि संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर जब हमने पढ़े तो एक स्थिति ये देखी थी कि ए के बाद ई आने पर ये हमारा ए बन रहा था। यहाँ देखिए ए के बाद ई आने पर ए हमारा उच्चारण स्थान क्या है, कंठे है, तो इसके नीचे हमें कंठे लिख देना चाहिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अपन को ये देखना है कि ई, ई कहाँ पे आया है, तालव्य में आया है, तो इसके आगे तालव्य लिख देना चाहिए या तालु लिख देना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये क्या बना, उच्चारण स्थान इसका हो गया कंठ तालु। अब हमें परीक्षा में पूछा जाता है कि ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो हमारा उत्तर होता है कंठ तालु। ये ही स्थिति ए और ई दोनों के साथ होती है। दूसरी इसी प्रकार से देखिए, अब हम ओ का उच्चारण स्थान देखते हैं, तो ए, ए के अंदर यदि हमने ऊ मिलाया तो ओ बना। ये देखा ए हमारा कंठ है, ऊ हमारा ओष्ठ है। अब दोनों को हम मिलाएंगे तो ये शब्द बनेगा कंठोष्ठ। अब हमारे लिए प्रश्न ये बन जाता है कि ओ का उच्चारण स्थान मुंह में कहाँ है, तो हमारा आंसर होगा कंठोष्ठ। इसी के आधार पे इसके और औ दोनों को सम्मिलित कर लिया गया है, क्योंकि अपन ने पहले भी पढ़ा था कि ए और ओ दो ही शुद्ध संयुक्त स्वर होते हैं। शुद्ध का जहाँ जिक्र हो जाता है तो वो चार न होकर के ए और दो को ही माना गया है। ये औ और औ जो ऐ और औ है इसको शुद्ध नहीं माना गया है, क्योंकि एक संधि की दृष्टि से इसको मान्य किया गया है। वर्धि संधि के हिसाब से इसमें केवल मात्रा की वृद्धि हो जाती है, बाकी संयुक्त स्वर तो केवल ए और ओ को ही माना गया है। इस आधार पर ये जो है उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। अब देखिए इनके आधार पर इसके अलावा भी इसके कुछ वर्गीकरण किए गए हैं। तो सबसे पहले उच्चारण के आधार पर कितने भेद किए गए वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर दो प्रकार के स्वर बने हैं। उच्चारण के आधार पर जो स्वर बनते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं। कैसे बनते हैं, पहली कंडीशन इसमें होती है एक नंबर पे निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर, और दूसरा जो बनता है वो है अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है कि निर्नुनासिक क्या है, अनुनासिक। सबसे पहले हम निर्नुनासिक की बात करें, निर्नुनासिक निर नु, यहाँ नाक, निर यानी नहीं, नाक के बिना जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख के द्वारा किया जाता है, नाक की कोई हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सब के सब निर्नुनासिक में आते हैं। अनुनासिक में क्या होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख और नाक दोनों की सहायता लेनी पड़ती है वो अनुनासिक होते हैं। निर्नुनासिक जो स्वरों की संख्या पूछी गई है वो कितनी होती है, निर्नुनासिक जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। जो 11 स्वर अपन जानते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, निर्नुनासिक होते हैं। कहने का मतलब सबका हम मुख के द्वारा उच्चारण करते हैं 11 के 11 का। यहाँ अनुनासिक जो है उनकी संख्या एक कम हो जाती है, वो 10 होते हैं। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है, हमारे दिमाग में ये एक विचार पैदा हो जाता है कि यहाँ 10 किस कारण से हुए। इसका कारण ये है कि यहाँ जो अपन ने री स्वर पढ़ा था, री को शुद्ध स्वर नहीं माना गया है,
यहां पर भी अपन ने जिक्र किया है कि री शुद्ध स्वर नहीं है। दूसरी कंडीशन यहां पे ये लागू हो जाती है कि हमारे जितने भी 10 जो स्वर हैं उन सब के ऊपर अनुस्वार और चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, लेकिन री के ऊपर कभी भी अनुस्वार और चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि अनुस्वार और चंद्र बिंदु का सीधा संबंध नाक से होता है। हम ए के ऊपर अनुस्वार या चंद्र बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन री के ऊपर नहीं कर सकते हैं। हम किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, ऊ के ऊपर कर सकते हैं, ए के ऊपर कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि री के ऊपर कहीं पर भी अनुस्वार और चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता। इसी कारण से री क्या है, अनुनासिक स्वर के अंतर्गत नहीं आती। इसकी एक संख्या कम होने के कारण हमारे जो अनुनासिक स्वर वह केवल 10 ही होते हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसके आधार पे दो प्रकार के हमारे बने। अब अगली जो स्तुति स्वर को लेकर के जो बनती है वो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जिव्या के उच्चारण में भाग लेने के आधार पर स्वरों के भेद किए गए हैं। जिव्या कैसे भाग लेती है, कारण क्या होता है? कुछ स्वरों का उच्चारण करते समय जिव्या के आगे का जो भाग है वो सक्रिय रहता है, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मध्य का जो भाग है वो सक्रिय रहता है, और कुछ में क्या होता है कि जिव्या के जो पीछे का भाग होता है पश्च भाग कहलाता है वो सक्रिय रहता है। इस आधार पे इसके तीन प्रकार बनाए गए हैं, और वो तीन प्रकार कौन कौन से? एक नंबर पे इसका जो प्रकार बनाया उसका नाम दिया गया अग्रस्वर, अग्रस्वर। दो नंबर पे इसका नाम दिया मध्य स्वर, और तीन नंबर पे इसका जो नाम दिया वो दिया पश्चस्वर। देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है, स्वर का उच्चारण करते समय यदि जिव्या के आगे का भाग सक्रिय रहता है तो वो अग्रस्वर है, उच्चारण करते समय मध्य का भाग सक्रिय रहता है तो मध्य है, और यदि जिव्या के पीछे का भाग उच्चारण के दौरान सक्रिय रहता है तो वो क्या बन जाता है? पश्चस्वर बन जाता है। परीक्षा की दृष्टि से कैसे पूछे जाते हैं? परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि निम्न में से अग्रस्वर कौन सा है, निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है, निम्न में से पश्चस्वर नहीं है, इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। तो हमें ये देखना है कि इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया। अग्रस्वर के अंदर यदि हम जिक्र करें तो हम सबसे पहले ए का उच्चारण करके देखें। ए का उच्चारण करेंगे तो जिव्या न तो आगे सक्रिय रहती है न पीछे, तो ए एक ऐसा है जिसका जो उच्चारण स्थान माना गया है वो मध्य भाग माना गया है। अगर हम आ का उच्चारण करें तो आ की ध्वनि हम कंठ से ले रहे हैं और कंठ का सीधा संबंध पीछे की तरफ होता है, तो ये पश्च के अंदर जाएगा। आ के बाद यदि हम अगले स्वर का उच्चारण करते हैं, जैसे ई का उच्चारण कर रहे हैं तो ई ई यहाँ फेफड़ों से हवा उठ करके आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, और जब आगे की तरफ हवा बढ़ेगी तो हमें महसूस होगा और एक ऐसे पता लगेगा कि भाई हमारी जिव्या के जो आगे का भाग है वो वास्तव में आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी ई और ई ये दोनों जो स्वर हैं ये अग्रस्वर होते हैं। इसके बाद अगला जो स्वर हमारा आता है री स्वर आता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि री का सीधा सा संबंध जो होता है वो ई के साथ होता है। जहाँ ई होगी वहीं पे हमेशा री रखी जाती है। जितने भी वर्गीकरण आएंगे सबके अंदर ही हमें याद रखना है जहाँ ई है वहाँ री है। इसके बाद देखिए हम ऊ का उच्चारण करके देख रहे हैं तो ऊ के उच्चारण में हवा आगे की तरफ न बढ़ करके वापस पीछे की तरफ घूमने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो उच्चारण स्थान जाएगा वो पीछे जाएगा। और ऊ ऊ करने के बाद फिर हम अगला उच्चारण कर रहे हैं ए आई। ए आई के अंदर जाहिर सा हो रहा है जैसे ई ई के अंदर हवा बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, वैसे ही ए आई के अंदर भी हवा है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो हमारा अग्रस्वर ए और आई हो जाता है। जहां ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान होता है वही यहाँ पर वर्गीकरण के आधार पर भी ये देखें कि जहाँ ऊ और बड़ा ऊ होता है वहीं पे ओ और औ होता है, तो इसके अंदर भी हवा पीछे जाने की कोशिश करती है। तो ये इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो वर्गीकरण है वो बड़े आसान तरीके से हम इसको सीख सकते हैं। ज़्यादातर जो पूछा जाता है मध्य स्वर के बारे में पूछा जाता है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि मध्य स्वर ऐसा है कि इसका उच्चारण करते समय जिव्या न आगे से सक्रिय होती है न पीछे से सक्रिय होती है, ये इसके आधार पर था। अब एक है जिव्या के उठने या मुँह के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। कुछ में क्या होता है कि जिव्या ज़्यादा उठती है, किसी में कम उठती है, किसी में मुंह कम खुलता है, किसी में ज़्यादा खुलता है, इस आधार पे भी स्वर के भेद किए गए हैं। तो मुख के खुलने या जिव्या के
ऊपर उठने के आधार पे जो भेद किए गए हैं वो चार भेद किए गए हैं, और चार भेद कौन कौन से किए गए हैं। सबसे पहला जो भेद किया गया है वो होता है समृद्ध स्वर, समृद्ध का मतलब होता है संकरा। दूसरा जो होता है वो अर्ध समृद्ध होता है, अर्ध समृद्ध। और तीसरा जो इसका भेद होता है वो अर्ध विवृत होता है, अर्ध विवृत। और चौथा जो इसका भेद होता है वो होता है विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, यानी सबसे ज़्यादा जो मुँह खुलता है वो विवृत में खुलता है। ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, अक्सर यही ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए हम स्वरों का उच्चारण करेंगे तो स्थिति ये हो जाती है कि कुछ में मुँह बहुत ज़्यादा खुलता है, किसी में सामान्य खुलता है, किसी में सामान्य से ज़्यादा भी खुल जाता है, और किसी में बिल्कुल बहुत कम खुलता है। कम खुलने वाला संकरा, संकरा का मतलब समृद्ध है। तो इसके अंदर देखिए जो स्वर आते हैं वो आता है ऊ, बड़ा ऊ, ई और बड़ी ई। ये जो है ये समृद्ध के अंतर्गत आते हैं। अर्ध समृद्ध के अंदर क्या आता है, ए और ओ आता है। और यहाँ पे अर्ध विवृत के अंदर हमारा जो आएगा वो आई और ए आउ आएगा। साथ में हमें एक ये चीज़ भी देखनी है कि एक स्वर बीच में बच जाता है ए, वो भी यहाँ आता है, और विवृत में केवल आ आता है। इस आधार पे मुंह के खुलने के आधार पे जो स्वर के भेद किए गए हैं, सबसे पहले समृद्ध होता है। समृद्ध में ये सबसे पहले एक बार क्वेश्चन ये भी कर लिया गया कि भाई इन चार को देकर के ये पूछ लिया कि इन निम्नलिखित में से सबसे अधिक समृद्ध कौन सा है, तो वहाँ पे ऊ को माना गया। क्योंकि मैंने पहले इस ई को ना लिख करके ऊ को लिखा है, मेरे लिखने का मतलब यही है कि सबसे ये क्या है कि घटते या बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं। ऊ एक ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है। तो यहाँ ऐसे अगर कोई घुमा करके प्रश्न पूछा जाता है तो ऊ उसमें से हमें चिन्हित करना चाहिए। विवृत है उसमें सबसे ज़्यादा खुलता है, अर्ध विवृत में आई और ओ आते हैं, अर्ध समृत में ए और ओ आते हैं। इस आधार पर भी हमारे स्वर का जो वर्गीकरण है वो हो जाता है। उसके बाद स्वर जो है वो एक उच्चारण काल के या मात्रा काल के आधार पर भी इसके भेद किए गए हैं। उच्चारण काल के आधार पे भी स्वर के दो भेद किए गए हैं। उच्चारण काल, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि किसी स्वर के उच्चारण में कितना काल यानी समय लगा। किसी के उच्चारण में समय कम लगता है तो किसी के उच्चारण में समय ज़्यादा लगता है। अब हमें कैसे पता चले कि किस में कितना समय लगे, तो इसके आधार पे दो प्रकार बनाए गए हैं। दो प्रकार में पहला प्रकार तो ये बना दिया गया कि भाई हरिस्व स्वर, इनको मूल स्वर भी बोला जाता है, हरिस्व स्वर ये संख्या में कितने होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। हरिस्व का मतलब होता है छोटा। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि के ऊपर कम बल दिया जाता है तथा समय भी कम लगता है, वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो हरिस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये संख्या में देखिए ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये चार होते हैं। कई बार संख्या के आधार पर भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी में हरिस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हमें वहाँ चार देखनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसके अंतर्गत जो आती है वो आती है दीर्घ स्वर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर का मतलब हुआ बड़ा। दीर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा। हरिस्व स्वर का उच्चारण करने से दुगुना समय जहाँ पर लगता है वो दीर्घ स्वर बन जाता है। दुगुना समय कैसे लगा, यहाँ पे ए और यदि हम आ का उच्चारण करें तो ए और आ में दुगुना समय लग रहा है। छोटी और बड़ी में अगर हम उच्चारण करके देखेंगे तो दुगुना समय लग रहा है। तो इस आधार पे ये दीर्घ स्वर बनाए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये हमारी संख्या में सात होते हैं और ये संख्या में चार होते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या को लेकर के प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो सात होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग मामला होता है। दीर्घ संधि के आधार पे हमारे पास जो होते हैं वो तीन ही होते हैं, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। उस आधार पे हम ऑप्शन तीन वाले को भी समझ लेते हैं, लेकिन ये जो सात है इसको मानना चाहिए क्योंकि ये सातों इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। तो उच्चारण काल के या समय काल के आधार पर इसके जो भेद किए गए हैं वो दो किए गए हैं, लेकिन एक तीसरा भेद जो संस्कृत की दृष्टि से मान्य है, हिंदी में इसको मान्य नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हिंदी में इसको पढ़ा जाता है। एक तीसरा जो इसका स्वर आता है उसका नाम है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ये संस्कृत का स्वर है।
श्लोकों को पढ़ने के लिए अक्सर इसको काम में लिया जाता है और इसको लिखने का जो तरीका होता है वो होता है। हिंदी के अंदर इसका जो प्रयोग किया गया वो ओम शब्द के अंदर किया गया है और ओम का उच्चारण करने में जो समय है वो दीर्घ से भी अधिक लगता है, इसलिए इसको प्लुत स्वर के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन मुख्य स्वरों की बात करें तो हरिस्वर और दीर्घ दो ही स्वर का माना गया है। इस प्रकार